ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର କିମ୍ବା ଲିକିମିଆ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରକ୍ତ କର୍କଟ ରୋଗ କୁହନ୍ତୁ ଏଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ମାନେ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଭୟ ପଶିଯାଏ। ମାନେ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ମାନେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଣେ ପ୍ରଥମ କଥା ଡରିଯାଏ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝି ନେବା ଟିକେ କ'ଣ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଉଛି ବ୍ଲଡ୍ ସବୁ ଅର୍ଗାନକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ରକ୍ତଟା ସବୁ ଅର୍ଗାନକୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମର ବ୍ଲଡ୍ଟା ତିଆରି କେଉଁଠି ହେଉଛି, ସେଇଟା ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ହେଉଛି। ସୋ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ସେଇଠି ଆମର ରେଡ୍ ସେଲ୍ ବି ହେଉଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେଲ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ବ୍ଲଡ୍ଟା ସେସବୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋରେ। ସୋ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରେ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିବ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିବ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେଲ୍ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ଯେକୌଣସି କ୍ୟାନ୍ସର ସିଚୁଏସନ୍ ହୁଏ। ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ଯେଉଁ ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ରାପିଡ଼ଲି ପ୍ରୋଲିଫରେଟ୍ କରିବ, ବହୁତ ରାପିଡ଼ଲି ବଢ଼ିବ, जोड़ा द्वारा कौन हुए कि बाकी जो सेल गुड़ा हुए आम रेड सेल है कि प्लेटलेट है से गुड़ा सब कमी जाती। तो सेटा हूँ बेसिक जिनस ब्लड कैंसर। तापर ब्लड कैंसर कहला मैंने बहुत प्रकार अच्छी मुझे गोटे सिंपल भाव में बुझेबी चार प्रकार। गोटे हूँ आक्यूट ब्लड कैंसर दी प्रकार आउ क्रॉनिक ब्लड कैंसर दी प्रकार। सो आक्यूट कहले आक्यूट लिम्फाटिक लिकेमिया, आक्यूट मायलोइड लिकेमिया, तापर सिमिलर जो क्रॉनिक हूँ क्रॉनिक मायलोइड लिकेमिया और क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक लिकेमिया। आमे ब्लड कैंसर में लोक मैंने ब्लड कैंसर आक्यूट लिकेमिया तो कहे लिम्फोमा भी गोटे जिन जोटा कि बेले बेले कन्फ्यूजन भी करे। लिम्फोमार फरक हूँ ये कि लिम्फोमाटा आम लिम्फ ग्लैंड से कैंसरटा बाहर सेटा होकर बोन मैरो को कि ब्लड को जापे कितु स्टार्ट हुए लिम्फ ग्लैंड। सिमिलरली आउ गोटे कंडीशन अच्छी माइलोमा, सेटा भी लोक कन्फ्यूज हुए। सो लिम्फोमा लिकेमिया माइलोमा गोटे कैटेगरी जाए। माइलोमा भी गोटे प्रकार ब्लड कैंसर बट एक्चुअली नॉट ब्लड कैंसर, सेटा भी बोन मैरो स्टार्ट हुए, बोन को अफेक्ट करे, बाकी सब ऑर्गन को अफेक्ट करे। कैंसर सब एज को अफेक्ट करे, कौन सी एज ए बाहर नु किंतु जनरली अपन देखिले जते हमर एज बढ़ी बढ़ी जीवो सेतबेले आमे देखिबा ब्लड कैंसर टा अधिक हुए कारण बोन मैरो बेसी फंक्शनालिटी करेनी और जो परिमाण फंक्शनालिटी करे सेटा बहुत डिफॉर्म सेल माने ओडा डिस्प्लास्टिक जोडा कहंती बोन मैरो ठीक रे फंक्शन करन थबो, क्वालिटी ओडा कमी जाए और कैंसर लक्षणटा भी बढ़े जते एज बढ़िला परे। सो इन जनरल देखिले एडवांस एज रे 60 पर अधिक हुए किंतु यंग एज रे भी हुए और छुआ को भी हुए। इवन छुआ जन्म होला तार प्रथम वर्ष भीतर भी कैंसर ब्लड कैंसर हो पाए। सो एटा को एज कोना से छाड़ेनी। आउ एमती देखिले मेल फिमेल जब आप कंपेयर करेंगे इंडिया जी सब डाटा अच्छी मेल मान अधिक हुए ब्लड कैंसर फिमेल मान आज जो मान कि प्रोफेशनल एक्सपोजर रोचे। फॉर एग्जांपल जो माने कि इंडस्ट्री काम कर केमिकल को एक्सपोजर रोचे, जो माने पेस्टिसाइड मान जो सार यूज करुचे कि सार जो यूज हुए आप देखिए किसी एरिया रे ब्लड कैंसर अधिक होती माने पर्टिकुलरली पंजाब एरिया बहुत दिखाई रिसर्च भी चली बर्तमान से जो सार गुड़ा यूज कर सेटा कार्सिनोजेनिक माने कैंसर को बढ़ाए सेटा। तो सेमती लिकेमिया जदि माने किसी लोकंर किसी प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल हाजार्ड अच्छी। फॉर एग्जांपल अपना जोड़ा पेंट लीड यूज कर पेंट किसी यूज कर कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैंडलिंग कर पेस्टिसाइड यूज कर फैक्ट्री काम सो से सब जो मैंने कम करती से डेफिनेटली अधिका रिस्क थाए। आउ गोटे जिनसा जो मानकर किसी एक्सपोजर होती रेडिएशन को एक्सपोजर होती प्रिवियस आगुरी किसी गोटे कैंसर होता रेडिएशन होता सेमान को किंबा कीमोथेरापी दिया है सेमान को रिस्क भी अधिक कैंसर मैं ब्लड कैंसर डेवलप होबार। बहुत इंपोर्टेंट आम जाना दरकार सिम्पटम गुड़ा कौन प्रथम कथा आउ सिम्पटम केते जानी पारले अर्ली स्टेज जब डायग्नोसिस करवा सेटा हमको सब क्योर आड़ को नहीं जीवो। सो कथा हला सिम्पटम देखिले आमर जमी कहली तीन टा सेल लाइन जोड़ा रेड सेल है व्हाइट सेल है कि प्लेटलेट एगुड़ा सब अफेक्टेड हुए। जदि आम रक्त कणिका कमीगला लोहित जोटा कमती से कमीगला आम इनफेक्शन हम रेड सेल्स कमीगले आनीमिया आम थकावट बढ़ीज। सो आम जब कम करते कम करें धीरे धीरे थकावट बढ़ला। आउ गोटे जिन आप सब देखि थे जो आनीमिया कि रक्त क्षमता जोटा कहते जो कमीगला कौन पर जना पड़ूनी बहुत कारण जाना था कारण आयरन कमीगला कि भाइटामिन कमीगला किंबा किसी ब्लीडिंग होची रेगुलरली से ब्लड लॉस होची जना अच्छे तो ठीक अच्छे। तो ये जना पड़ूनी तथापि रक्त आपन कमी जाऊँगी आपणकर एनर्जी कमी जाऊँगी से आप इन्वेस्टिगेट करिया दरकार से सब इग्नोर करिया कथा नुह से गोटे। आज बारंबार इन्फेक्शन होची फॉर एग्जांपल बहुत जगह देखी लोकंगर थ्रोट इनफेक्शन हुए गोटे कोर्स ने एंटीबायोटिक देले मे बी टॉन्सिल बढ़ी जाइए ये इनफेक्शन जोटा कि आप एंटीबायोटिक गोटे कोर्स ने दुईटा कोर्स ने तीनटा कोर्स नाला पर भी कमुनी ताहले आपको भाबिया पड़े किछोड़े खराब अच्छी कारण एटा इम्यूनिटी को अफेक्ट करे आम लिक्यूमिया है मैंने इम्यूनिटी को अफेक्ट करे इम्यूनिटी जो अफेक्टेड होले इनफेक्शन गुरा बहुत थोड़ा हम बारंबार इनफेक्शन हम सो बारंबार एंटीबायोटिक नदेकरी न खाई आमको देखा पड़ो किसी असुविधा अच्छी कि सीटा गोटे आउ जब प्लेटलेट कमिगला आप ब्लीडिंग हम गम्रु ब्लीडिंग है कि नाकरु ब्लीडिंग है कि बाउल मोशन कला झाड़ा द्वारा ब्लड भी पड़ी पाए से सब जब कारण जना पड़ू ठीक अच्छे जब जना पड़े ये सब सिम्पटम हो स्पॉट भी बाहर स्किन बहुत गोटे स्पॉट हम छुआर बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्पटम थाए आर्थराइटिस भाया हम जब छुआर नॉर्मली आर्थराइटिस हुए जब छुआर आर्थराइटिस भाया सिम्पटम है तार मैंने किसी असुविधा अच्छी ये सब लक्षण यदि आसला गोटे खावा भी कमिज भोक हेनी वेट भी कमिज जदि आम बडी वेट जब जनकर 50 किलो कि 60 किलो जदि 10% कमिगला ताहले डेफिनेटली हमको देखा पड़ो आ झाड़ बाहर रात अननेसेसरी झाड़ बाहर खावा कमिज एगुड़ा सब है मैंने आमको डेफिनेटली देखा पड़ो डॉक्टर पाक जाइए परामर्श करा पड़ो। डायग्नोसिस है माने हमर ब्लड कैंसर पर जो सिम्पटम गुड़ा आम कथा से वेरी बेसिक सिम्पटम गुड़ा यदि आप अच्छी तापर फर्स्ट जिनस करेंगे ब्लड टेस्ट करेंगे ब्लड टेस्ट भल लैब्रे जोटा करेंगे जो से कौन करेंगे आमर हिमोग्लोबिन कि व्हाइट सेल कि प्लेटलेट तो देखिए सहित ब्लड फिल्म गोटे तैयारी हम से फिल्मटा देखिए किसी एब्नॉर्मल सेल अच्छी एब्नॉर्मल सेल माने जो ल्यूकेमिया सेल गुड़ा अच्छे ना नहीं से मैंने ब्लास्ट भी कौच सो देखा पड़े से जो एब्नॉर्मल सेल गुड़ा अच्छे ना और जो सेल गुड़ा अच्छी जोटा रेड सेल है कि व्हाइट सेल से सब ठीक देखा ना ना सो ब्लड फिल्म पर बहुत इनफर्मेशन मिले ता सहित आमर जो क्लॉटिंग स्टडी गोटे थाए बेसिक टेस्ट से भी गोटे करा पड़ो कारण बहुत इंपोर्टेंट केतरा कैंसर गोटे खाली ये ना कहबी एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया ये कंडीशनटा आप जिते जल्दी डायग्नोसिस करेंगे लोक को बंचई पारे जदि डेरी होगा ताहले डेफिनेटली डिफिकल्ट हम बंचापी तो सेमती आप बाकी टेस्ट एक बेसिक होगा आप ब्लड फिल्मटा होगा जोटा कि बहुत बेसिक टेस्ट जेकोसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी करहब किंतु इम्पोर्टेंट है ब्लड फिल्म टाक देखा दरकार जड़े किए पैथोलॉजिस्ट कि हेमाटोपैथोलॉजिस्ट देखा दरकार सेटा जानिला परे नेक्स्ट होची बोन मैरो। बोन मैरो बायोप्सीटा अगेन सब जगह हो पारनी आउ रेफरल सेंटर भल सेंटर हम सेटा को देखिकी आपन करिया पड़ो तो बोन मैरो है मैंने कौन देखा फर्स्ट तो देखा कि ल्यूकेमिया अच्छी ना ना जदि ल्यूकेमिया अच्छी तो आगुरी किसी गोटे थिला कि कंडीशन जोटा कि ल्यूकेमिया आड़ को नहींगला से भी देखना पड़ो सो बोन मैरोटा बहुत इम्पोर्टेंट ता सहित बहुत अदर बाकी टेस्ट भी करेंगे जोटा है आपंकर स्कैन करेंगे देखा पड़े किसी मास अच्छे ना नहीं चेस्ट में जोटा कि सीटी स्कैन करेंगे कि अल्ट्रासाउंड करेंगे जोटा जो सेकेंडरी फर्स्ट जिनस देखा पड़ो कौन तो डायग्नोसिस ब्लड फिल्म ठीक अच्छे ना नहीं आउ किसी क्लॉटिंग रे प्रॉब्लम अच्छे ना नहीं ता सहित बोन मैरोटा देखा ट्रीटमेंट ल्यूकेमिया बहुत प्रकार अच्छे बर्तमान आम गोटे भल टाइम रे पहुँचीचे जो टाइम रे आमर ऑप्शंस अच्छी जोटा कि 5-7 वर्ष पूर्वर नाला सो ट्रीटमेंट तो बहुत प्रकार अच्छी तेना मुझे खाली स्ट्रीमलाइन करदेवी टी मैंने एक्यूट ल्यूकेमिया फोकस करी क्रॉनिक ल्यूकेमिया जस्ट क्विकली खाली कहीदे जोटा क्रॉनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया जोटा कि सीएमएल कहते तार एत भल ट्रिटमेंट अच्छी पेसेंटर ट्रिटमेंट चलो लाइफ लंग बट सी अलमोस्ट क्योर होमती सीएलएल रि बहुत नुआ ट्रिटमेंट आसलानी क्रॉनिक ल्यूकेमिया भितर आस सीएमएल है सीएलएल तापर एक्यूट जो ल्यूकेमिया है जो एएलएल आउट होचे एएमएल एक्यूट माइलॉयड ल्यूकेमिया एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया यार जो ट्रीटमेंट लंबा चले पर्टिकुलरली जोटा एएलएल जोटा छुआं बेसी देखा जाए और छुआ मान एएलएलटा आप ट्रीटमेंट ठीक से करेंगे अलमोस्ट मोर देन 90% क्योर हो माने इंडिया भी कथा कहूँ सेंटर में 80% 100-80 जन छुआ क्योर करहब बट कथा है कि जो ट्रीटमेंट चले लंबा चले आउ माने प्रति अलमोस्ट 1.5 वर्ष ट्रिटमेंट चलो कारण ये कौन हुए कि ल्यूकेमिया इमिडिएटली अपना इराडिकेट करदेले भी तापर जो छोट छोट कोटे गोटे थी से भी पर ग्रो कर ट्रिटमेंटा लंबा चले आडल्ट मानक भी से लंबा चले एएलएल एएमएल हूँ आहरी बहुत नास्टी जो समस्त डरती कोको जो पशे एक्यूट माइलॉयड ल्यूकेमिया कारण बहुत डेथ हुए से कौन पे डेथ हुए कि देखो आप सब सपोर्टिंग सिस्टम भल न था तापर पेसेंटर इनफेक्शन हो जाए सो ट्रीटमेंट हला बेलू तार व्हाइट सेल कमिज तार इम्यूनिटी पूरा जीरो आसो इम्यूनिटी जीरो रुहे अलमोस्ट मासे जाए चले See you when I tar kitchen protection, whether infection protection kitchen, something patient bakere. The infection there be infection way, bleeding way, the nana program complication way. Settlement death, but there is supportive mechanism colochi, a patient of Hamlet center treatment hochi, the chances are sicky acute myeloid leukemia almost 30% cure he by way. 25 to 30%. Agically, I may who told a treatment, I may chemotherapy or durobu, chemotherapy dochu, kintu. तासहित गुडे टार्गेटेड थेरेपी दोजु टार्गेटेड थेरेपी कोन होला माने इम्यूनोथेरेपी माने पेशेंट रो कैंसर ट्रीटमेंट पई कीमोथेरेपी बहुत डैमेज करे तो कीमोथेरेपी तो चालिबो आ कीमोथेरेपी डोज भी कम करी हबो तासे तो टार्गेटेड थेरेपी सब दिया हो जा टारगेट थेरेपी माने ल्यूकेमिया रे जो जो हाई एंटीबॉडी ताकू टारगेट करके सब ट्रीटमेंट सब बाहर लानी पर्टिकुलरली लास्ट 4-5 विषय बहुत डेवलपमेंट हेची सब एडवांस कंट्री हेची इंडिया को आसीलानी So, this treatment is the side effect कम the effect and chances of curing also very high. I would just mention bite antibody. Bite means double specific antibody. That cancer body prepare body cell use cancer cure without a new technology. That is very developed helpful. Leukemia treatment particularly acute myeloid leukemia जोड़ा AML जोड़ा कि बहुत भयंकर भाव जोड़ा कैंसर जोड़ा ब्लड कैंसर टा से इतने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में बहुत रोल रही ची कारण जिन्दे कहेली इतने only 25 to 30 सो सही रूप 25-35 का लोगों को अपना क्योर करी करी गए कीमोथेरेपी द्वारा बाकी जो तीर रहेला छोटा अपन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन दरकार हो कारण एक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कला परे बॉडी रो इम्यूनिटी टा चेंज हे जीवो आउ कोन वे जो ट्रांसप्लांट जो हबो जहार स्टेम सेल यूज हबो और थर्ड पर्सन में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट स्टेम सेल यूज हबो जो स्टेम सेल ता यूज हबो से कोन करबो नोआ इम्यून एनवायरनमेंट क्रिएट करियो बॉडी में से जो नोआ इम्यून एनवायरनमेंट जोडा क्रिएट हबो से एनवायरनमेंट ही ल्यूकेमिया क्योर करी रखिबो कंट्रोल करी रखिबो सो एटा बहुत इंपोर्टेंट आ बहुत प्रकार ट्रांसप्लांट अछि बट जोटा कि फर्स्ट थिंग देखा जाए कि किसी छुआ जोटा जदि आपन किसी सिबलिंग अछंती माने भाई बहनी अछंती तांकर मैच देखा जाए सेटा दे नही पाछी ताले थर्ड पार्टी ऑनलोन ट्रांसप्लांट भी करा जाए न हमें हाफ मैच करा जाए जोटा कि हापलो को आउछ तो कथा हला कि डोनर भी मिलिया दरकार डोनर पई जोटा जदि सिबलिंग मैच होनी टोटल देखा जाय छी कि अराउंड 30% केस रे डोनर मिलिबो आ बाकी मिलिबन जेटा वर्ल्ड वाइड registry बहुत भलो अछि बहुत डोनर अछंती इन इंडिया रो प्रॉब्लम होछि माने मोड एग्जांपल देबी जर्मनी जोडा बहुत एडवांस अछि इवन ऑस्ट्रेलिया टू भी भलो जोडा डोनर रजिस्ट्री जोडा बहुत जोडा डोनर से रजिस्ट्रेशन करिचंती 25% का पॉपुलेशन रो 100 रो 25 जन लोक डोनर रजिस्टर अछंती जे इंडिया रे आपन कहबी इंडिया रे 0.04 माने 10000 रे 4 जन लोकन को माने रजिस्ट्रेशन अछंती तो आपन तो डोनर खोजा हबो इंडियन डोनर मिलते बहुत कष्ट हुए कारण आम जाने भी आम क्या गोटे हेल्प कर आम डोनर रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन करूने आई थिंक से बहुत बढ़िया हो सो यहाँ गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कले द क्योर चांसेस बहुत बढ़ी जाए कतरा कंडीशन पर्टिकुलरली जदि पेसेंट रेस्पंड करूनी कीमोथेरापी को आउे कैंसर आसीगला ब्लड कैंसरटा तापर ता सहित कौन हुए कि जो जेनेटिक एबनॉर्मालिटी गोटे जेनेटिक डिफॉर्मिटी थाए जो कैंसर सेल रो जेनेटिक रे गोटे प्रॉब्लम थाए से जो जेनेटिक प्रॉब्लम थिबो ताले एटा काम करिवनी नॉर्मल कीमोथेरेपी काम करिवनी तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन दरकार हो डाइट गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस फर्स्ट कथा ला कि डाइट जदी ठीक नाही बहुत रे प्रॉब्लम भी स्टार्ट हुए आ जो कैंसर सिचुएशन पर्टिकुलर सेटा भी पुनी ब्लड कैंसर जदी ब्लड कैंसर हे जी लोकर कीमोथेरेपी चली छी से प्रथम कथा तो खावा मन हेनी तार सब घा हो जाए पार्टी में सो खावा भी भितर जीवनी कितु से टाइम नीटा भी अधिका थाए पेसेंटर प्रोटीन पर्टिकुलरली बहुत नीटा थाए कारण खाऊ न प्रोटीन कमी जाऊ से कौन करवा दरकार से पेसेंट माने हाई प्रोटीन खावा दरकार तापर आ गोटे जिन है कि जहाँ भी हम होम कुक्ड किंबा हॉस्पिटल फूड खाइब बाहर खावा खाइला माने इन्फेक्शन हुए जोटा कि बहुत प्रॉब्लम करे जदि एसोस इम्यूनिटी नथिबो बाहर खाइबा खाइबो पर्टिकुलरली जदि सी फूड जोटा माने समुद्र रो खाइबा जदि किछि माने ठीक रे रोसे हेनी तो इन्फेक्शन हुए सिमिलरली हमें जहां भी होबो सलाड बडा जिंस जहाँ भी निजे बनइबे निजे खाइबे बाहर जिनस किसी अन जोड़ा कि माने बाहर खाइबा अवॉइड करेंगे आउ जदि किसी भल से रोसे ही बाहर जिनस रॉ जिनस माने जोड़ा कि अनकुक खाइबे जोटा खाइबे भल कि धुआ हम सेटा छुटा भी भल कि धुआ हम से खाइबे तो सेटा इंपोर्टेंट आउ फोकस रहबा दरकार कि प्रोटीन केमती आप अधिका नहीं पारे कारण सही टाइम प्रोटीन बहुत कमी जाए आ प्रोटीन कमीगला मैंने अपना रोग जो है चलो इनफेक्शन है चलो तार प्रतिरोध शक्तिटा भी कमी जाए कारण प्रोटीन टा बहुत इंपोर्टेंट। ब्लड कैंसर जोटा सक्सेस रेटा बहुत फरक हुए कैंसर टाइप रे आउ को एज रे होची प्रथम कथा ना जदि आमे देखुचे एक्यूट लिकेमिया जोटा एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिकेमिया छुआ मान होची मोर देन 80% 80% रु अधिक छुआ को क्योर करियो प्रॉपर ट्रीटमेंट देवा द्वारा तापरे एडल्ट मान को भी ऑलमोस्ट 50 to 60% क्योर करि परिबे। सेमती जोटा अलग लिकेमिया जोटा एक्यूट माइलॉइड लिकेमिया जोटा कि बहुत खराब जोटा भयंकर ब्लड कैंसर हमको AML AML रे सक्सेस रेट अराउंड 25 to 30 100 आउट ऑफ 100 सो 25 to 30% लोगों को अपन क्योर कर पारे से आमको अलग मेथड भी यूज करा पड़ो जोटा कि कहली बोन मारो ट्रांसप्लांटेशन है कि टार्गेटेड थेरापी सब आसानी से यूज कर बढ़िया आउ क्रॉनिक लिकेमिया जोटा CML रो क्योर बहुत अधिक अलमोस्ट 80% रु अधिक सेमती ट्रिटमेंट चलो क्योर हम CLL भी क्योर करें किंतु डिजिट पूरा कंट्रोल को आने पारे सपोर्टिव केयर बहुत इंपोर्टेंट भल सेन्टर करुवे से सपोर्टिव केयर पेसेंट खाली तो कीमोथेरेपी देदेले हालानी कीमोथेरेपी देलापर जो सपोर्ट दरकार से बहुत इंपोर्टेंट कारण इन्फेक्शन हो मॉनिटरिंग दरकार भल से नर्सेस नर्सिंग स्टाफ रहा दरकार से कंट्रोल करेंगे इन्फेक्शन है मैंने ट्रिटमेंट स्टार्ट हवा दरकार ब्लीडिंग है दिहाव ब्लड प्रोडक्ट सपोर्ट दरकार बहुत गोटे ब्लड दरकार पड़े रेड सेल दरकार पड़े प्लेटलेट भी दरकार पड़े से जो सपोर्ट भी रहा दरकार जब आम खाली कीमो देदेले कि ब्लड मिल न प्लेटलेट मिल असुविधा हो तो सैटा भी दरकार ता सहित आमर जो नुआ थेरापी को केमी आनी पारा से भी इंपोर्टेंट से CAR T cells सब CAR T भी गोटे नुआ जिन अच्छी से कहे एक्सपेनसीव कार जोटा CAR T थेरापी से भी आसलानी बाइट्स नुआ नुआ ट्रिटमेंट आसलानी से सब केमी आम पेसेंट को जोगे पार फाइनान्स केमती करा भी बहुत रोचे से सब जगह लीड कर सक्सेस लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट बहुत इंपोर्टेंट माने जमती फास्ट पेशेंट कीमोथेरापी दिगला लेट्स से कि क्योर भी होगा क्योर होगा से पेशेंट मॉनिटरिंग बहुत इंपोर्टेंट कारण कौन हुए कीमोथेरापी देलापर गुड़ाए लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट इमिडिएटली तो साइड इफेक्ट जहाँ बाहर माने वोमिटिंग है पार्टी घाला कि हेयर चलीगला एटा सब हम तापर से रिकवर करगला पेशेंट क्योर होगापर लॉन्ग टर्म प्रोब्लेम है से गुड़ाए जिन प्रोब्लेम बाहर मैंने एंडोक्राइन प्रोब्लेम बाहर से मानने सब यंग एज थे सेमती फैमिली पुणी करेंगे सेगुड़ा सब भी अच्छी से सब कमी मैनेज करेंगे से गोटे अदर एंडोक्राइन प्रोब्लेम बाहर सेगुड़ा सब मैनेज कराव तार अलग साइड इफेक्ट बाहर अननोन साइड इफेक्ट से बाहर आज जब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता भी प्रॉपर मॉनिटरिंग करा दरकार सब क्लोज मॉनिटरिंग करा दरकार से बहुत इंपोर्टेंट ता सहित आपने देखते जड़े छुआ जो छुआ कि एडल्ट है ब्लड कैंसर होती सी क्योर है तार बाकी प्रोब्लेम थी तार फाइनेंशियल प्रोब्लेम थी तार जॉब नथिबो तार सोशल सपोर्ट नथिबो सो हमको से अवेयरनेस ता बहुत इंपोर्टेंट कि से माने बहुत नीडी से मानकर खाली कीमोथेरेपी दिगला से नु तापर आम से केमती सेटल करमी अलग ऑर्गेनाइजेशन मैंने हेल्प करेंगे से अवेयरनेस ता बहुत इंपोर्टेंट और से गवर्नमेंट कौन करमी थैथान कर बहुत बहुत हेल्प कर तापर आ गए जिनस है सेकेंड कैंसर जब जन को थे गोटे कैंसर होकोसी कैंसर सेकेंडरी कैंसर हो पाए सेटा भी आमको देखा पड़ो केमी आम से सब जल्दी डिलीट कर ट्रिटमेंट ब्लड कैंसर प्रिवेंट करेंगे आई थिंक से गोटे इम्पोर्टेंट जिनस मैंने प्रिवेंट तो मुझे मैंने ओके केतरा जदि रिस्क फैक्टर अच्छी ताहले आमे क्लोज मॉनिटरिंग करवा सपोज गोटे एग्जांपल है गोटे पेशेंट बहुत रेडिएशन होती आगुरी कि गोटे कैंसर होता रेडिएशन होता तो से लोक को आम क्लोज मॉनिटरिंग रखा ब्लड टेस्ट रेगुलरली करेंगे कौन आप जल्दी डिटेक्ट करेंगे प्रिवेंशन एमती तो आपरें कारण यहाँ सब बहुत बैकग्राउंड बहुत जेनेटिक एबनॉर्मालिटी थाए जोटा कि बहुत ड्राइव करे गोटे ड्राइवर जीन अच्छी जो सब कै वेरी कम्प्लेक्स कौन पर हुए ब्लड कैंसर किंतु आपत आम करें जोटा आम कहू कैंसर अर्ली डायग्नोसिस is equal to cure. So that is true. Amar blood cancer देखिबे सेम जे जति जल्दी डायग्नोसिस होला माने acute promyelocytic leukemia जोडा कि आपण जति देरी हे गेला बिन 5 दिन कि 7 दिन देरी हेले तार आउटकम ता अलग होय खराब होय तेनो जल्दी डायग्नोसिस हे परले बहुत भलो इनसे सेटा तो बहुत इंपोर्टेंट आउ सेटा ही आपण करी कि किछु माने चेंज आन करिवे जदी अर्ली डायग्नोसिस करबे विभिन्न रोगर कारण ओ निराकरण संपर्क रे डाक्टरन ठारु जानिबा पई स्वास्थ्य प्लस ओडिया रो YouTube चैनल सब्सक्राइब करंतु।